हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुड फूड बेटर मूड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ मैक पफ की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है। आप इसे स्टार्टर या इवनिंग स्नैक्स में भी सर्व कर सकते हो। तो सबसे पहले हम मैक पफ के लिए उसका डो रेडी करेंगे। तो एक बोल में आपको 3/4 कप गेहूँ का आटा डालना है, 1/2 कप आपको मैदा डालना है। आप चाहे तो इस रेसिपी को पूरी तरह से मैदे में भी बना सकते हो। डालने के बाद नमक आपको 1/2 चम्मच डालना है और 2 चम्मच आपको डालना है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल की जगह पर आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अभी आपको आटे में नमक और रिफाइंड ऑयल को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देना है। जितने अच्छे से मिक्स करोगे आपका डो उतना ही अच्छा होगा और मैक पफ उतने ही ज़्यादा करारे होंगे। तो अभी सारी चीज़ें मिक्स हो गई, तो अभी आपको इसमें हल्का गर्म पानी डाल करके एक हार्ड डो रेडी करना है। आपका डो जितना ज़्यादा हार्ड होगा आपके मैक पफ उतना ही अच्छा शेप लेंगे और बहुत ही ज़्यादा करारे बनेंगे। तो अभी आपका डो रेडी हो गया है, इसे बोल में रखना है और इसमें 1/2 चम्मच ऑयल ऊपर से और लगा देना है। लगाने के बाद इसे 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके सेट होने देना है। जब तक वो सेट हो रहा है तब तक हम इसके लिए स्टफिंग रेडी करते हैं। तो क्या करना है, 2 से 3 चम्मच ऑयल डालना है, 3 लहसुन बारीक कटे हुए डाल देने हैं, 2 हरी मिर्ची डालनी है, 1 प्याज बारीक कटी हुई डालनी है, 1/2 गाजर बारीक कटी हुई डालनी है। डाल करके गैस की फ्लेम को मीडियम करना है और मीडियम फ्लेम पर प्याज को ट्रांसपेरेंट होने तक आपको फ्राई करना है। तभी आपके प्याज ट्रांसपेरेंट हो गए, 2 से 3 मिनट लगे हैं ट्रांसपेरेंट होने में। अभी इसमें डालने हैं 1/2 शिमला मिर्च और यहाँ पर मैंने उबले हुए कॉर्न 200 ग्राम लिए हैं। उसके बाद इसमें डालना है आपको नमक। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से इसमें ऐड करिएगा। नमक डालने के बाद इसमें डालनी है 1/2 चम्मच चीनी। चीनी से इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1/2 चम्मच डाल देना है चिली फ्लेक्स और 2 से 3 चम्मच डाल देना है आपको टमाटो सॉस। सारी चीज़ें डाल दी, डाल करके सारी चीज़ों को आपको मिक्स करना है और गैस की फ्लेम को हाई टू मीडियम करके इसे अच्छे से पकने देना है। तो 2 से 3 मिनट के बाद फिर से आप देखोगे कि सारी चीज़ें अच्छे से पक गई। अभी इसमें डालना है आपको चाट मसाला पाउडर 1/2 चम्मच। तो अभी आपकी स्टफिंग बन करके रेडी हो गई है। स्टफिंग बनने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 7 से 8 मिनट ही लगने वाला है। अगर सीज़न में कॉर्न नहीं है तो आप कॉर्न की जगह पर 2 उबले हुए आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी इसके ऊपर हमने चीज़ ग्रेट करके डाल करके इसे साइड में रख दिया है। तो अभी चलिए हम चलते हैं अपने डो की तरफ। डो अभी बिल्कुल सेट हो गया है। एक बार हम इसे फिर से गूंथ करके इसे स्मूथ कर लेते हैं। करने के बाद अभी हमें इसे पेड़े काटने हैं, तो मीडियम साइज़ के आप इससे पेड़े काट लीजिएगा। पेड़े काटने के बाद आपको इससे एक ओवल शेप पूड़ी रेडी करनी है। और बनाई हुई स्टफिंग इसमें डालनी है और चारों तरफ आपको पानी लगा देना है। पानी लगाने से ही अच्छे से चिपक जाएंगे। इसको रैप करने का तरीका आप देख लीजिएगा। सारे मैक पफ में स्टफिंग डल गई है और अभी आपको इसे फ्राई करना है।
ये देखिए आपके मैक पफ बन करके बिल्कुल रेडी हो गए हैं, बहुत ही करारे और माउथ वाटरिंग मैक पफ बन करके रेडी हुए हैं। तो अगर आपको इस मैक पफ की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।